वर्ल्ड ऑफ मेज एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। बस पिछले वाले एपिसोड में हम लोग वो एंड वाले रूम में गए थे, वहां पे थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को केज मिला था, मतलब उसको मारने का मेरे को बहुत मन कर रहा था। एंड फाइनली वो वहां पर मेरे को मिल गया, लेकिन फिर कैसे उसने मेरे को फंसाया, ट्रैप्स में गिराया, मेरे को बहुत मारा, लेकिन फिर मैंने भी उसको 2-3 झापड़ मारा। हम लोग के बीच में कड़क वाली फाइट हुई एंड फिर वो गायब हो गया। फिर गायब होने के बाद मैं उसको ढूंढ नहीं पाया। फिर गाइस मेरे बॉस से लड़ाई की एंड हम लोग को मिल गया था ये वाला वूल, पिंक वूल। तो यस गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं फिर से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले कड़क वाले रूम्स एंड इस मिस्ट्री का पता लगाने वाले कि मतलब ये कौन कर रहा है, कि क्या कर रहा है। गाइस मेरे को यहाँ से निकलना है फटाफट। आपको पता ना मैंने सीरीज क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं फंस गया था यहाँ पे। देखो बेचारा मैं यही पे फंसा था, यहाँ से फिर मैं ऐसा ऊपर गया था एंड मैं मेज में इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन यहाँ पे चेस्ट में तो कुछ नया आ नहीं रहा है। छी, एंड विलेजर भी आजकल नए स्पॉन नहीं हो रहे। गाइस अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे बहुत सारे, तो एक ना एक विलेजर तो स्पॉन होता ही था हर एक एपिसोड में। एंड गाइस सिर्फ 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 4 वूल बाकी है। एंड यहाँ पे ये देखो, ये रहा ग्रे वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला एंड रेड वाला। तो चलो गाइस बताओ हम किस में जाए यार। देखो हमारे पास सब खतरनाक चीज तो है ही, नेदरराइट का अच्छा आर्मर है, वैसे तो खराब तो हुआ नहीं है एंड थोड़ा सा इन्वेंटरी खराब है, उसको अच्छा कर देंगे। एंड हमारे पास कड़क वाली सॉर्ड है, एक्स है खतरनाक वाली, पिक एक्स है सब, वो तो भाई नाम ही मतलब। मेरे पास 2 पोशन ऑफ रीजनरेशन भी है, इसको लेके जाएंगे। चलो बस इन्वेंटरी तो मैंने थोड़ी सही कर ली है एंड अब बताओ हम लोग कहाँ पे जाए यार। मतलब पता नहीं यार, लास्ट टाइम मैं शायद पिंक वाले में गया था एंड वो नेदर का था, नहीं सॉरी एंड का था, उससे पहले नेदर का था। तो मतलब मुझे लग रहा है ना कि अभी ओवरवर्ल्ड में तो हम लोग स्पॉन नहीं होने वाले, सब है ना मतलब नेदर या फिर एंड के रूम्स होंगे। चलो गाइस अक्कड़ बक्कड़ करते गाइस, एक काम करते ना हम लोग इसमें क्या कहते ब्लैक वाले में जाते, ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है यार। एक बार ब्लैक वाला मुझे लग रहा है ना हार्ड भी होगा, तो हार्ड वाला हम लोग पहला कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मजा आएगा। एंड गाइस भूलो मत यार, केज को भी ढूंढना है, प्रोबोस को भी ढूंढना है यार। कुछ मेरे को लीड मिल ही नहीं रहा, कोई आइडिया ही नहीं है अब तक, तो कुछ मिला ही नहीं है मुझे उनके रिलेटेड, वो डर लग रहा है। बट अभी चलो हम लोग को जाना चाहिए शायद। तो चलो गाइस मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप लाइक करोगे, एटलीस्ट 20,000 लाइक तो होने चाहिए। चुपचाप करो करो, मैं रुकाऊ करो, अब आपने कर दिया ना गाइस, तो चलो चलते हैं। बूम, हम लोग अंदर जा रहे हैं भाई, पता नहीं कहाँ पे पहुंचेंगे। ओ, ये कौन सी जगह है? चलो यार अंदर चलते हैं, कौन सी जगह है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, स्नो गिर रही है। एक मिनट, स्नो एंड ये नेदर का, ए कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, ये क्या है? ओ भाई, अरे यार ये क्या जगह है यार, मैं फिर से मतलब ये शायद नेदर है। यस नेदर है ये, शिट मेरे को तो डर लग रहा है। यहाँ पे हम लोग को वूल ढूंढना है भाई, वूल ढूंढ लेंगे बेटो, बट बस यहाँ से गिरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है ना कि ये देखो ये सब जगह है यहाँ पे, ये देखो ये जगह इनके बीच में है ना एक ब्रिज है, तो ब्रिज से हम लोग को जाना है। एंड यहाँ पे देखो भाई स्मिथिंग टेबल है एंड चलो पहले पीछे चलते हैं। ओ बच गया, संभाल के चलो सीधा चलते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे, लेफ्ट जाने का जगह है, जाके देखते। यहाँ पे ये वही मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, मर बेटा चल। शिट गाइस गिरा देंगे ना मेरे को तो मैं मर जाऊंगा, तो प्लीज नॉक बैक मत होना इनके पास। एंड यू शिट, बहुत ही खतरनाक जगह है, चलो भागो। एंड यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे बैरल्स है, कुछ अच्छा लूट बीट नहीं है यार, खाली बैरल्स कौन रखता है। चलो। एंड यहाँ पे नीचे और बॉस है यार, नहीं लड़ना नहीं मेरे को, शिट भागो। डेड एंड में नहीं जाना है गाइस, हम लोग को आगे जाना है। चलो हम लोग लेफ्ट गए थे ना, अभी सीधा जाते। एंड प्लीज वूल पता नहीं कहाँ पे होगा। एंड अरे यार स्लाइम भी है इधर, ए शिट कीड़े मर गाइस, पहले ना इनका स्पॉनर तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉनर है। एंड तू भी मर, तो मुझे लगा था कि ये लास्ट वो वाले रूम में ही स्पॉन होंगे, सब जगह स्पॉन हो रहे। टूट जा, बहुत सारे स्लाइम पता नहीं कहाँ से स्पॉन हो रहे, शिट भागो। जो पता है गाइस कि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, लेकिन मैं बस आगे जा रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। एंड वहाँ पे यार कुछ तो मिल जा यार, यहाँ पर भी एक बॉस तो होगा ही यार, मेरे को तो लग रहा है। शिट, एंड फाइनली मेरे को एक चेस्ट मिला है, इसके अंदर भाई अनब्रेकिंग 3 का फ्लिंट एंड स्टील कौन देता है, नूब है क्या? चलो थोड़ा खाना तो दिया, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारा आयरन है। एंड यहाँ पे बहुत सारा आयरन बार क्यों है भाई,
कोई प्रिजन व्रिजन है क्या यहाँ पे? इतना सारा आयरन बार डाला है, क्या पूरा एरो से घुसा दिया मेरे को यार, क्या ये देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है एक ब्रिज। वाओ, ये ब्रिज कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। वाओ, वहाँ पे गाइस चेस्ट है। ओ यार, ये सब अलग अलग बायोम, अपना खुद का क्या कहते हैं बायोम से, मतलब एक रूम है। देखो जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये वहाँ पे एक चीज है, वो दिख रहा है वहाँ पे कुछ है, सब जगह है। मेरे को तो ऐसा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखो वहाँ पर भी एक होल है, एंड देखो उनको कनेक्ट करते हुए एक ब्रिज है एक। वाओ, चलो एक काम करते, थोड़ा आगे जाते हैं, मे बी हम लोग को वुल्फ वहाँ पे मिल जाए। एंड ये शिट, ये कौन सी जगह है? अरे नहीं यार, ए नॉकबैक मत दो प्लीज, नॉकबैक नहीं मत। अरे शिट गाइस, ये लोग थोड़े स्ट्रांग है, ये लोग स्ट्रांग है, मेरे को तो गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा। कहाँ पे धकेल दिया यार इसने, मरना। दिस इज वेरी डेंजरस प्लेस गाइस। नीचे एक चेस्ट है, फटाफट से देख लेते हैं, इसके अंदर झांक लेते हैं। एमराल्ड एंड गोल्डन एप्पल, बड़ा स्टिक, चलो स्टिक मिल रहा है, अच्छी बात है क्योंकि स्टिक बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी बहुत सारे आयरन के बाहर से, यार जा, नॉकबैक नहीं, नॉकबैक नहीं, इसको तोड़ो। छिटा, कोई तो मेरे पीछे आ रहा है, तो ऐसे आवाज लग रही है मेरे को यार। क्या क्रीपी वर्ल्ड है गाइस, बचाओ, इसे रैंडमली चीजें कौन रख रहा है यार, क्या ये। चलो थोड़ा आगे चलते है, कुछ तो चलने की आवाज आ रही है यहाँ पे। वीट, क्या चल रहा है? शायद ऊपर चल रहा है, एक मिनट ऊपर जाता हूँ मैं भाई। चलो चलो भाई, नहीं मारो इनको, मारो। कितने सारे स्पॉन है यार। एंड ओ, ये चल रहा था लेकिन एक जल क्यों रहा है यहाँ पे? व्हाट, हेबल क्यों चल रहा है? हट, मेरा खाना है ये, हेबल क्यों रखेगा यहाँ पे? लॉल, हटो भाई, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, अपने काम आएगा। भाई इसको ज्यादा ही हेबल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हेबल क्यों है? मतलब आपको नेदराइट, आई मीन नेदर में कभी हेबल मिलता है? नहीं यार, वो रहता था क्या यहाँ पे? गाइस मेरे को तो शक हो रहा है, कुछ तो होगा, क्या मालूम। बट पहले चलो पहले ब्रेड बना लेते यहाँ पे। यहाँ पे गाइस ये सब वो मैप, व्हाट, यहाँ पे मैप छुपा है। ये कौन सा मैप है, नंबर 4 है ये? गाइस मेरे को मैप का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या होता है इसमें। अरे यार, लेकिन कौन रख रहा है सब? एंड यहाँ पे बंद है, ये तोड़ क्यों नहीं पा रहा मैं ये? What? अरे नॉर्मल आयरन बार ही तो है टूटना। गाइस मैं तोड़ नहीं पा रहा, वेट, मैं ये वाला आयरन बार को भी नहीं तोड़ पा रहा, एंड ये वाले को तो तोड़ ही नहीं पा रहा यार, क्या हो रहा है? किसको किसको मैं तोड़ सकता हूँ लेकिन किसको किसको नहीं तोड़ सकता, बट ये बहुत अजीब है यार। मतलब आयरन इसको मैं तोड़ नहीं पा रहा, यहाँ पे कोई कैद था क्या? एक मिनट, इसको खोलते, इसके अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड भी है यार, क्या ये सब? भाई एक डायमंड कौन रखता है चेस्ट में? गाइस मुझे तो कुछ तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कोई तो था, क्यों बताओ? क्योंकि देखो यहाँ पे ना हेबेल भी था, यहाँ पे मैप्स भी है, पता नहीं कौन रख के गया है, एंड यहाँ पे आयरन बार भी नहीं टूट रहे, ऐसा लग रहा है कोई कैद था यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। अगर आप गाइस आप भी सोचो थोड़ा यार, इसमें बैरल में कुछ नहीं है। एक मिनट जरा नीचे जाके देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी तो, यहाँ पे तो खुला है, यहाँ से कोई भी जा सकता है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लू होगा, जरा देखते हैं सबको, मैं ओपन करके देखता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे बैरल में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, एंड इसमें सब सेम ही मैप है, क्या है ये? लॉक्ड लिखा है, 0 लेवल लिखा है, पता नहीं क्या है। ओह, यहाँ पे हॉपर है, एक मिनट, हॉपर के अंदर कोई छुपा तो नहीं सकता? ए, यहाँ पे एक बुक है, व्हाट, एक मिनट इस बुक को लेते, एंड ओह, फ्रॉम प्रो बॉयज, शिट गाइस, ये प्रो बॉयज यहाँ पे था, हो सकता है भाई मैं एडिट भी कर सकता हूँ यार। देख एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रो मैं यहाँ पे लॉक्ड अप था, केज ने मुझे यहाँ पे लॉक किया था, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि केज इस चैलेंज का एंड बॉस है। ओ गाइस, अच्छा तो वो एंड बॉस है, बट वो तो एक नॉर्मल प्लेयर है, वो एंड बॉस कैसे हो सकता है? वो नहीं चाहता कि तू सब वुल कलेक्ट करे, इसलिए वो सब रूम में एक बॉस को समन करता है ताकि तुझे वुल ना मिले। ये क्या सुन रहा होगा इस प्रो बॉयज, ये क्या लिख रहा है? मुझे तो लग रहा है ना वो यहाँ पे कैद था ना, इसलिए शायद उसने ये सीक्रेट मैसेज लिखा है कि मैं फाइंड करूँ, एंड गाइस मैंने फाइंड कर दिया कि हुना मैं। अच्छा, अरे यार मतलब प्रो बॉयज कह रहा है कि ये चैलेंज का एंड बॉस केज है, एंड वो नहीं चाहता कि मैं सब वुल ढूंढू, इसलिए ना गाइस हम लोग को सब रूम में एक बॉस मिल रहा है जो कि हम लोग को मार रहा है। देखते हैं इसने और क्या लिखा है, संभाल के फाइट करना है। यस यार, संभाल के करूंगा,
ये केज बहुत स्ट्रांग है, शायद तुझे ट्रोल कर रहा है। व्हाट? वैसे तो गाइस ट्रोल की बात तो सही है यार, वो मेरे को लास्ट वाले रूम में भी उसने मुझे भूलभुलैया में फंसाया था एंड बहुत सारा ट्रोल किया था यार। वो चाहते है कि मैं भूल ना लूं यार, ऐसे थोड़ी ना होगा, मैं भूल को लेके रहूंगा। लेकिन प्रोबोस तू कहाँ पे यार, तूने ये लिखा है यहाँ पे तो तू कहीं पे तो होगा। एक मिनट, क्या प्रोबोस एस्केप हो गया? हो सकता है, या फिर केज उसको कहीं पे और जगह जेल किया होगा उसको, पता नहीं। भाई अब तो मुझे लग रहा है ना कि बात सीरियस हो रही है, प्रोबोस मुझे लग रहा है ना एस्केप नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो एस्केप होता ना तो कुछ ना कुछ तो होता रे, वो आ जाता, उसको रास्ता पता है, वो भी खेलता है यार। लेकिन मुझे लगता है कि वो अलग जगह अभी कहीं तो लॉकअप हो चुका है। लेकिन उसने बहुत सही चीज बोली है गाइस, बहुत सारा हिंट मिल गया है, मतलब मुझे पता चल गया कि अभी ये वाले वर्ल्ड में भी एक ना एक बॉस है। केज ने स्पॉन किया रहेगा, क्योंकि केज सब जगह नहीं आ सकता, वो क्या वो सब जगह थोड़ी ना पहरा देगा, तो इसलिए उसने बॉस को रखा है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग को बॉस ढूंढना है, यहाँ पे 100% एक बॉस होगा। तो चलो गाइस यहाँ से बाहर निकलते हैं, एंड पहले तो गाइस भूल ढूंढना है ना, यहाँ से निकलना है। चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं गाइस, यहाँ से कूदते हैं, बूम। चलो बॉस को तो हम लोग ढूंढ के रहेंगे, ये जगह तो मैसिव लग रही है, मुझे तो लग रहा है ना गाइस कि यहाँ पे बॉस तो मिलेगा ही 100%। एक मिनट, ये क्या है? व्हाट, मैं फिर से ब्रिज में आ चुका हूँ। ओ भाई ये क्या है, फायर ऐसा क्यों हो गया है? व्हाट, ये पता नहीं क्या है गाइस, जो भी आएगा उसको काट डालूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ गाइस मैं। हाँ, शायद पीछे। ओ, ये क्या है गाइस? व्हाट गाइस, शिट, ये क्या है? नो, ये कौन है गाइस? अरे यार कस्टम स्पॉन, अरे यार बॉस स्पॉन हो ही गया। अच्छा ये कर रहा था ये, ओ नहीं यार केज के कीड़े ने कर ही दिया आखिरकार। शिट, इसको मारना पड़ेगा। नहीं शिट, इसका कौन सा अटैक है? ये ले बेटा, ये ले। ओ शिट गाइस बहुत जोर से मार, भागो। शिट गाइस भागो यार, अरे यार इसको तो लॉन्ग फाइट लेना पड़ेगा, चलना कीड़े मरना। अरे शिट यार नीचे गिर भी सकता हूँ, भागो। अच्छा ये थूक से मुझे स्लोनेस मिलता है, ये देखो स्लोनेस मिल गया। नहीं यार, अरे कीड़े, ये ले एंड एक और पटका खाना, ले बेटा मर। एंड पू भाई हेल्थ कम होगी कि नहीं? इसके डैमेज सर पूरा ब्लॉक कर दिया है ब्रिज को, क्या किया इसने, कीड़े थूकता क्या इतना गाइस? अरे हाँ मैं तोड़ सकता हूँ उनको, तो तोड़ के आता हूँ, मेरे को स्लोनेस नहीं चाहिए यार। हाँ चलो गाइस अभी मैं नॉर्मल हूँ, ये ले बेटा, ये ले मर गाइस। इनको तोड़ते पता नहीं कुछ जो थूक रहा जाना गटर के पानी, थूकता क्या है फिर? इसका नाम क्या है? वेंडिगो। रुक कीड़े मारता हूँ, वेंडिगो इतना अच्छा नाम रखता है। ओ गाइस मर गया ये, लेट्स गो यार, मर गया फाइनली। इतना मारने के बाद पता है आपको कितना मारा है मैंने, 15 मिनट से मारते जा रहा हूँ उसको, मैं मर ही नहीं रहा है। बेटा केज तेरे बॉस काम नहीं आने वाले अभी मेरे सामने, मैं अभी खतरनाक वाला सॉर्ड एंड आर्मर लेके आया हो गया। एंड ये क्या ड्रॉप किया इसने, टंड्रा चार्ज, पता नहीं क्या है, देखेंगे उसको। लेकिन गाइस अभी हम लोग को है ना मतलब वुल पास में होगा, यही कहीं पे होगा ये वाला। एक मिनट गाइस मेरे को एक पैटर्न नजर आ रहा है, तो ये सब है ना एक ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड ये देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, लेकिन ये बच्चा किससे भी कनेक्टेड नहीं है। ये देखो मुझे लग रहा है ना कि एक मिनट थोड़ा उसके पास जाते हैं, मुझे लग रहा है क्योंकि देखो वो भी इससे कनेक्टेड है। अरे कीड़े कौन मार रहा है? अरे शिट, तो गाइस मैं बोल रहा था कि एक वो कनेक्टेड है, एक ये हो सकता है, इसमें वूल हो सकता है या फिर इसमें वूल हो सकता है, तो इसमें जाके दिखते पहले। चलो 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 जाते हैं, नीचे जाना है क्या? आ गया मैं नीचे, लेकिन नीचे तो गाइस कुछ नहीं है यहाँ पे। आज मेरे को प्रोबोस की चिंता हो रही है यार, उसने मेरे को इतना मस्त लेटर लिखा है, एंड पता नहीं मेरे को जाना कहाँ पे है, पता नहीं कहाँ पे जाना। लेकिन यार पे बच्चा मेरे को परेशान कर रहा है, कौन है बच्चा? कितने देखिए रहा, देखो गाइस पता नहीं उसका टेक्सचर हट चुका है, लेकिन वो मार रहा है मेरे को। ये देखो। अरे बच्चे परेशान मत कर, जाना मेरे को, जाने दो यार। ये कहाँ पे आ गया मैं? ओ वुल मिल गया गाइस, व्हाट, मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था सच में गाइस, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट क्या। अरे यार यस वुल मिल गया, वुल मिल गया यार, थोड़ा सेफ हो जाते। ओ भाई ब्लैक वाला वुल, लेट्स गो। यस गाइस, मतलब मैं तो सोच रहा था कि ऊपर कुछ तो जगह होगा खाली, मैं तो वुल वाले एरिया में आ गया गाइस, मैं लकी हूँ। लेकिन गाइस हम लोग ने एक पैटर्न समझ लिया है कि जहाँ पर भी बॉस होता है ना उसके बाजू में ही वुल होगा, ठीक है। एंड प्रोबोस ने भी बता दिया है कि ये सब केज कर रहा है, एंड वो आखिरी बॉस है, मतलब वो हम लोग को वुल, वो नहीं चाहता कि हम लोग वुल ले। हाँ तो चलो गाइस अभी हम लोग को ना घर पे आने का टाइम आ चुका है, एंड मेरा प्रिडिक्शन सही था ना गाइस, कि ब्रिज वाला
पूरा रोड याद हो गया गाइस, कितने सारे फूल। आप मेज के अंदर मेज है यहाँ, इस सब में, सब रूम में यही हो रहा है। देखो देखो देखो, यहाँ पर भी है भाई साहब। चल चलो, अभी तो हम लोग को सीधा सीधा जाना है। हम लोग का टेलीपोर्टेशन मशीन कहाँ पे है बेटा? मैं आ रहा हूँ भाई। लेकिन बॉस कितना खतरनाक था ना गाइस। बस अगर खतरनाक था तो कमेंट में बताओ कितना खतरनाक था। मुझे तो खतरनाक लगा बहुत। आई थिंक यहाँ पे टाइम मशीन ये रही। चलो गाइस घर पे चलते हैं। हम लोग ने वूल ले लिया है एंड बूम। चलो 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 चलो। अरे 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 अरे, एंड हम लोग आ चुके हैं। लेट्स गो। पहले तो सबसे पहले हम लोग ये वूल को है ना, ब्लैक वूल को यहाँ पे रखेंगे। कहना ना गाइस, शायद ये 100 दिन से ज्यादा हो गया यार, मैं इसमें सर्वाइव कर रहा हूँ। चलो इसको हम यहाँ पे रखेंगे। एंड दोस्तों कैसे हो? खाना वाना तो मिल नहीं रहा होगा तुम लोग को। हाँ गाइस, मेरा खेत, इसमें से मैंने एक बार भी कैरेट उठा के नहीं चिपका, मतलब दिया इनको। कितना अच्छा होना मैं यहाँ पे, मैं एनिमल को फार्म करूँ या फिर केज को मारूँ। फर्स्ट मैं केज को मारूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में मजा आ गया। देखो अभी सिर्फ 3 वूल बाकी है, 1, 2 एंड यहाँ पे ग्रे वाला 3। एंड फिर मजा आने वाला है प्रो बॉयज के। ये बुक ने हम लोग को गाइस बहुत हेल्प किया यार, थैंक यू प्रो बॉयज ये बताने के लिए। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, किस में जाए, हम लोग जाएंगे रेड वाले में। बूम।